जैसा कि पंच परमेश्वर का आदेश हुआ, महाभारत मार धार से भरपूर। समय की काशी नरेश के यहां तीनों पुत्रियों का आज स्वयंवर हो रहा है, जिसमें आज हस्तिनापुर निमंत्रण नहीं भेजा जाता है। अम्बा अम्बालिका और अंबिका तीनों का हरण करके भीषण पितामह ले आते हैं, और जब हस्तिनापुर लेकर आए उस समय तीनों नारियां आज भीषम पितामह से विवाह करने का प्रस्ताव रखती हैं। भीषम पितामह मना कर देते हैं और ये शिकायत लेकर तीनों पुत्रियां आज परशुराम जी की शरण में पहुंच जाती है। जाकर सारा वृतांत बताया, भीष्म से परशुराम जी कहने लगे, कहा या तो आप इनके साथ विवाह करो या फिर मेरे साथ युद्ध करो। आज गुरु और शिष्य में घनघोर युद्ध हो रहा है, यह कथा आपके साथ प्रस्तुत है। भीषण पितामह कहने लगे कि तू मर्दों का देख ले, देख ले कैसा है मैदान, और अभी पता चल जाएगा कौन यहाँ की नजर नजर अंदाज मत करना, वीरों की वीरता दिखाई नहीं पड़ती, और आज दंगल में आकर देख ले वीरों से खाली नहीं है धरती, क्योंकि ये महाभारत का दौर है भैया। ऐसे शांत बैठोगे तो महाभारत, एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। सीने की बुद्धि राख में अंगारों की दमक बाकी है, और हौसले पस्त क्यों है जोशीली खनक बाकी है, और नादा नाकर घुमा की बूढ़ा हो चला है शेर, नादा नाकर घुमा की बूढ़ा हो चला है शेर, वो बाजियों का जोर दांतों की चमक बाकी है। आइए इस भजन के माध्यम से आप वीर श्रवण करेंगे। हेलो भैया, एक सूचना प्राप्त हुई है, श्री विकास रावत आप ढोलक मास्टर जहां भी हैं आपके साथी आपको याद कर रहे हैं, और मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं मंडल के कोई भी सदस्य बिगर मंडल के गायक कलाकार और अध्यक्ष को बताए इधर उधर ना हो भैया, धन्यवाद। कि ऐसे ही बैठ जाऊंगा, और इरादे मेरे भी बड़े हैं जिन्हें मैं पूरा कर जाऊंगा, और लड़के मैदान में आके हिम्मत दिखाओ, लड़के मैदान में आकर हिम्मत दिखाओ, तुम जैसे योद्धाओं को मैं चलते फिरते मार जाऊंगा। कहने लगे भीष्म,
आज परशुराम से कहते हैं कि मन में जो अरमान के मन में जो अरमान वो सपना टूटे ना, जो भी इरादे लेकर आए हो आज वो पूरे होने वाले नहीं है। कि मन में जो अरमान वो सपना टूटे ना, और कर ले दो दो हाथ, एक कर ले दो दो हाथ पसीना छूटे, कर ले दो दो आदरणीय श्री मंगल सिंह जी, रघुवंश सिंह जी, अधिवक्ता पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता संघ, आपकी ओर से ये 501 रुपए का आशीर्वाद, आशीर्वाद की कामना। हमारे चंदन भैया रघुवंशी जी, आदरणीय मेरे परम सम्मानी बड़े भैया मुन्ना भैया मुकद्दम साहब आमदेही, आपकी ओर से 501 रुपए का आशीर्वाद, आशीर्वाद की कामना। और मन में जो अरमान वो सपना टूटेगा, और कर ले दो दो हाथ, एक कर ले दो दो हाथ पसीना छूटेगा, कर ले दो दो हाथ। और श्री सेनापति समिति सिटिया रोहना, आपकी ओर से ये 501 रुपए का आशीर्वाद, आशीर्वाद की कामना। कहने लगे भीष्म, उस तेरे में आज हुआ, उस तेरे में तीरों का निशाना चूकने वाला नहीं है। ओ नाम मेरा बलवान हो, नहीं मेरा तीरों का, नहीं मेरा तीरों का निशाना चूकेगा, और कर ले दो दो हाथ, एक कर ले दो दो हाथ पसीना छूटेगा, कर ले दो दो हाथ। आज कहने लगे कि ये मुंह से बोलने की बात नहीं है, अगर मर्द हो, अगर वीर हो तो सामना करो। परशुराम जी क्या कहने लगे देखिए, मुंह से क्या बोलते हो, और मुंह से क्या बोलते हो, रण में उतर कर देखो ना, रण में उतर कर देखो ना, उसे आदरणीय हमारे श्री वीर सिंह जी पटेल साहब शिक्षक नखरा खपा, आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद, आशीर्वाद की कामना। क्या कहने लगे, अभिमान
से हम उसे क्या बोलते हो, रण में लड़ कर देखो ना, रण में लड़ कर देखो ना, रण में लड़ कर देखो ना। क्या कह लगे, ये वीरों का मैदान है। कहते हैं वीरों से टकरा ले आजो रे अजमाले, वीरों से टकरा ले आजो रे, तुमसे बचेगा ना अब तू कहीं, जो भी मेरे सामने आएगा जिंदा वो घर को ना बचाएगा, जो भी मेरे सामने आएगा जिंदा ना परमादरणीय कल्लू मामा जी, माता मां नगबाड़ा आपकी ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद, आशीर्वाद की कामना। अभिमान तेरा निकल जाएगा, अभिमान तेरा निकल जाएगा, तूरण से जिंदा ना बच पाएगा। अरे मुंह से क्या बोल।